दोस्तों क्या आपको पता है कि जब भी कोई आदमी मरने वाला होता है ना, तो उसकी लाइफ की सारी मेमोरीज, उसकी लाइफ की सारी यादें उसके माइंड में फ्लैश होती हैं ओनली इन 7 मिनट्स। जी हाँ दोस्तों, और क्या आपको ये भी पता है कि अगर आप खुशी के आंसू रोते हैं तो उन आंसुओं की जो पहली ड्रॉप है, यानी कि जो पहली बूंद है, वो हमेशा राइट आई से निकलती है, और जब भी आप दुख के आंसू रोते हैं तो उसकी जो पहली ड्रॉप है वो आपकी लेफ्ट आई से निकलती है। और एक और मस्त फैक्ट बताऊं, जब हम आंखें बंद करके कुछ याद करने की कोशिश करते हैं तो वो हमें आंखें खोलने के कंपैरिजन में 80% ज़्यादा जल्दी याद आ जाता है। तो दोस्तों जब भी कुछ चीज़ याद करने की कोशिश करो तो आंखें बंद करके याद करने की कोशिश करना, आपको जल्दी याद आएगा। तो दोस्तों आज मैं ऐसे ही 10 गजब के साइकोलॉजिकल फैक्ट्स लेके आया हूं जो कि शायद आपको नहीं पता। तो दोस्तों मेरा नाम है मिस्टर प्रोडॉन, सो लेट्स बिगिन। दोस्तों नंबर 10, ट्रेवलिंग बूस्ट ब्रेन एक्टिविटी एंड डिक्रीज डिप्रेशन। ट्रेवलिंग हमारी बहुत सारी स्ट्रेस और डिप्रेशन इश्यूज को कम कर देता है, और जैसा कि ऑल ऑफ यू नो दैट 70% बॉडी प्रॉब्लम्स हाई स्ट्रेस लेवल से ही होती है। दोस्तों मैं आपको ये भी बता दूं कि स्ट्रेस में आदमी के सक्सेसफुल होने के चांसेस भी बहुत कम हो जाते हैं, इसलिए दोस्तों हमेशा अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं ट्रेवल करने जाना ही चाहिए। नए दोस्तों और नए पार्टनर्स को भी साथ ले जाना चाहिए। अभी कोरोना की वजह से शायद आप ट्रेवल करने ना जा पाओ, लेकिन आई होप ये सिचुएशन जल्दी ही नॉर्मल हो और आप ट्रेवल करने जा पाओ। नंबर 9, द टाइप ऑफ म्यूजिक यू लिसन टू टेल हाउ यू परसीव द वर्ल्ड। दोस्तों म्यूजिक इस दुनिया में एक ऐसी चीज़ है जो आपको खुश से उदास और उदास से खुश बना सकती है। जैसा म्यूजिक आप सुनते हो वैसा ही आप बिहेव करते हो। अगर कोई सैड म्यूजिक सुनता है तो वो चाहे बाहर से कितना ही खुश नजर आए, लेकिन वो अंदर से सैड ही होता है। आपके दोस्त या फैमिली मेंबर जो कि सैड या डिप्रेसिंग म्यूजिक सुनते हैं, उन्हें आज ही मना कर दीजिए कि सैड, डिप्रेसिंग, हार्ट ब्रेक वाले म्यूजिक ना सुने, और साथ ही केवल इस एडवाइस पे मत रुकना, उन्हें कुछ हैप्पी, मोटिवेटिंग, एनर्जेटिक सॉन्ग सुनाकर मोटिवेट भी कर देना, और देखना थोड़े ही दिनों में उनका बिहेवियर कैसे चेंज होता है। दैट्स वाई फ्रेंड्स, अब से नो मोर सैड म्यूजिक, ओनली मोटिवेटिंग और काम म्यूजिक सुनना, और हो सके तो उसके साथ मेडिटेशन भी चालू कर देना। नंबर 8, अगर आप स्मार्ट हैं तो आप अपने आप को बहुत अंडर एस्टिमेट करेंगे, और अगर आप एक फूल हैं तो आप अपने आप को बहुत ब्रिलियंट समझेंगे। दोस्तों इससे हमें एक बहुत बड़ी सीख मिलती है, अ फूल शोज ऑफ टू गेट ग्लोरी व्हाइल अ वाइज पर्सन स्टेज क्वाइट टू फाइंड पीस। कभी शो ऑफ ना करें दोस्तों, क्योंकि आप ये जानते हैं कि आप चाहे कितने भी पैसे वाले या इंटेलिजेंट क्यों ना हो, पर आपसे भी ऊपर इस दुनिया में लाखों लोग हैं जो आपसे 10 गुना पैसा या इंटेलिजेंस रखते हैं। एक आदमी जो कि शो ऑफ करता है वो एक्चुअली में कभी भी पीस और इंटेलिजेंस को कभी नहीं पा सकता। हमेशा आपके पास जितना भी है उसके लिए भगवान को अपना ग्रेटिट्यूड दिखाओ, क्योंकि ये सब आपके पास इसीलिए है क्योंकि भगवान चाहते हैं कि आप सब वो रखो। लेकिन जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर भगवान ने आपसे वो सब छीन लिया तो क्या होगा। फैक्ट नंबर 7, अगर आप एक हैप्पी ग्रुप के साथ टाइम स्पेंड करते हैं तो 97% चांसेस हैं कि आप भी अपनी लाइफ में हैप्पी रहेंगे। वही आपने एप्पल वाली स्टोरी तो सुनी होगी, जिसमें कैसे एक खराब एप्पल दूसरी अच्छी एप्पल्स को भी स्पॉइल कर देती है। बस ऐसा ही है इस केस में भी, जैसा ग्रुप आप रखोगे वैसे ही आप बन जाओगे। जैसा कि स्पीकर जिम रोन कहते हैं, शो मी योर फ्रेंड्स एंड आई विल टेल यू योर फ्यूचर। आप भी वही हो जो कि आपके दोस्त हैं। अगर आप बुरे ग्रुप में रहोगे जिसमें सबकी बैड हैबिट्स हैं या सब उस ग्रुप में नेगेटिव बातें करते हैं, तो आप भी उनकी ही तरह बनोगे, ये गारंटीड है। दैट्स वाई फ्रेंड्स, चूज योर सर्कल वाइजली। फैक्ट नंबर 6, दोस्तों ये फैक्ट आपके बहुत काम का हो सकता है, इसलिए इसे पूरी कंसंट्रेशन के साथ सुनना। अगर आपको कोई सा भी डिसीजन लेना है अपनी लाइफ में, लाइक करियर, रिलेशनशिप एक्सेट्रा, तो अगर आप उसे किसी भी दूसरी लैंग्वेज में लेते हो जो कि आपकी मदर टंग नहीं है, तो आपके डिसीजन सही होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आप चाहे कोई से भी लैंग्वेज में बोलते हो, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो या कोई और, बट व्हेन कम्स टू डिसीजंस आपको मेरी एडवाइस से हमेशा उस लैंग्वेज में वो डिसीजन लेना चाहिए जो कि आपकी मदर टंग ना हो। और ये चीज़ एक रिसर्च जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में हुई थी उसमें प्रूव भी हो चुकी है। तो दोस्तों आज से कोई सा भी डिसीजन इंग्लिश में लेके देखना और मुझे कमेंट में बताना कि वो कितना सही गया। दोस्तों फैक्ट नंबर 5, 70% आपके जो भी सपने आते हैं ना आपको, वो कोई ना कोई सीक्रेट मैसेज कैरी करते हैं जो कि आपके कॉन्शियस थॉट से भी ज्यादा मैटर करते हैं। तो दोस्तों अपने सपनों को कभी भी इग्नोर मत करिए, वो कोई ना कोई मतलब हमेशा रखते हैं, और क्या पता वो सीक्रेट कोड आपकी सक्सेस का कारण बन जाए। और जैसा कि बहुत सारे सक्सेसफुल लोगों के साथ में हुआ है कि उन्हें अपनी सारी प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन उन्हें सपनों में पता चले हैं। तो दोस्तों आज से अपने सपनों को नोट डाउन करना चालू कर दो और कोई ना कोई सीक्रेट कोड डिकोड करने की कोशिश करो, क्या पता आप उससे बहुत ज्यादा सक्सेसफुल बन जाओ। दोस्तों फैक्ट नंबर 4, अगर आपको कोई भी काम करना है और अगर आपको किसी भी काम के लिए कोई भी प्लान बनाना है, तो कभी भी प्लान बी या सेकंड प्लान ना रखें, बल्कि फर्स्ट प्लान को ही इतना स्ट्रॉन्ग बना लें कि आपको किसी भी प्लान बी की जरूरत ही ना पड़े। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आप कोई प्लान ए बनाते हैं और फिर प्लान बी भी बनाते हैं, तो 80% चांसेस है कि आपका प्लान ए काम नहीं करेगा और वो फेल हो जाएगा। इसका बड़ा ही सिंपल सा रीज़न है, क्योंकि आप अपने आप को एक प्लान बी दे रहे हैं, तो आपका माइंड आराम से सोचेगा कि चलो कोई नहीं, ये काम नहीं करा तो ये दूसरा प्लान काम कर जाएगा। इससे आपका टाइम
और आपकी मेहनत दोनों वेस्ट होती हैं। इसलिए दोस्तों सिर्फ प्लान ए बना करके रखें, और अगर आपको अपनी क्लास में 95% स्कोर करने हैं तो ऐसा सोच लो कि बस स्कोर करने ही है, मेरे पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है, तभी आप 95% स्कोर कर पाओगे। दोस्तों फैक्ट नंबर 3, साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि अगर आप स्ट्रेस या डिप्रेशन से गुजर रहे हैं तो आपको सिंगिंग जरूर करनी चाहिए, बिकॉज सिंगिंग आपको स्ट्रेस और डिप्रेशन से बाहर ला सकती है। दोस्तों अगर आप भी स्ट्रेस या डिप्रेशन से गुजर रहे हैं या आपकी जान पहचान में कोई गुजर रहा है तो उसे सिंगिंग के लिए जरूर एडवाइस करें, साथ ही उसे थोड़ी हैप्पी म्यूजिक को सुनने और गाने को भी एडवाइस करें, ताकि जब भी उनका मूड उदास हो जाए तो वो उस गाने को याद करें और उनका मूड जल्दी से स्विंग होकर नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाए। इसीलिए हम देखते हैं कि जो सिंगर जैसा गाना गाता है ना, उसका प्रोफेशन जैसा होता है वैसा ही उसका बिहेवियर होता है। और साथ ही साथ मुझे कमेंट में यह भी बताओ कि यहाँ कितने लोग बाथरूम सिंगर हैं। दोस्तों फैक्ट नंबर 2, अ नॉर्मल पर्सन हैव ओनली 8 सेकंड्स ऑफ फोकस फॉर एनी वर्क दैट ही डज। दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है। अब बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि हम जब भी कोई काम करते हैं हमारा पूरा फोकस हमारे काम पर ही होता है और हम 1 या 2 घंटे तक उस काम को कर सकते हैं, पर मैं उस फोकस की बात नहीं कर रहा। फोकस वो होता है जब आपका ध्यान कहीं और ना जाए, केवल एक ही विचार पे, एक ही थॉट पे आपका पूरा जो थॉट है वो आपका रहे, आपका ध्यान उसी पर रहे, उसे बोलते हैं फोकस। पर जब भी आप कोई काम करते हो, फॉर एग्जांपल आप स्टडीज़ कर रहे हो, तो 8 सेकंड के बाद आपका फोकस टूट ही जाता है और आपका ध्यान कहीं ना कहीं किसी न किसी थॉट पर चला ही जाता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि अपनी थॉट प्रोसेस को बढ़ाएं कैसे या अपनी कंसंट्रेशन को कैसे बढ़ाएं, तो इसके ऊपर अगर आपको वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताओ, मैं ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। दोस्तों फैक्ट नंबर 1, ह्यूमंस कांट मल्टीटास्क। मैंने आपको वीडियो एंड तक देखने के लिए इसीलिए कहा था क्योंकि लास्ट में मैं हमेशा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ और ये आपकी लाइफ में बहुत काम आने वाली चीज़ है। अब आप सोचोगे इतनी सी बात पर क्या बोलना, ह्यूमंस कांट मल्टीटास्क, तो मैं आपको बता दूं कि इस छोटी सी बात पर एक पूरी 300 पेजेस की बुक बनी हुई है जिसका नाम है द वन थिंग, और ये बुक भी मस्ट रीड बुक है। तो आज एक्सपेरिमेंट करके देखना कि गेम खेलने के साथ साथ स्टडीज़ करने की कोशिश करना, आपका कंक्लूजन ये होगा कि ना तो आप गेम में जीत पाओगे और ना ही आप पढ़ाई कर पाओगे। और ऐसा ही होता है, लाइफ में गोल सेटिंग करो, एक गोल को चूज करो जो कि आपकी प्रायोरिटी है और उसी में अपना टाइम एनर्जी और मनी लगा दो। दोस्तों अब बारी है बोनस फैक्ट की। दोस्तों अगर आपके पास 2 आंखें हैं जिससे आप इस वीडियो को देख सकते हो, और अगर आपके पास 2 हाथ भी हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करके देखो, आपके चेहरे पे एक स्माइल आ जाएगी, आपको इतनी खुशी मिलेगी कि मैं बयां नहीं कर सकता शब्दों में। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको वीडियो लाइक करने के बाद में खुशी फील हुई या नहीं हुई। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर एंड लव यू ऑल।